नमस्कार, मैं ममता चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर। हमने पिछले वीडियोस में पहले ओवरव्यू ऑफ सी को देखा, हिस्ट्री ऑफ सी पर डिस्कशन किया, सी के फीचर्स, उसका स्कोप, उसके फ्यूचर यूजेस, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स ऑफ सी टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन चीज़ों को पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स इन सी। डाटा टाइप्स, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डाटा टाइप इज़ अ डाटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट कैन कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप और रेंज ऑफ वैल्यूज। डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ में लेने वाले हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी और उसके अंदर स्टोर होने वाला डाटा किस टाइप का होगा। इस डिक्लेरेशन को हम डाटा टाइप कहते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाते समय कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसी से कंपाइलर को ये पता चलेगा कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए उसको कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। मोटे मोटे तौर पर डाटा टाइप्स इन सी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी डाटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप एंड डिराइव डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप का मतलब है कि जो डाटा टाइप पहले से सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, ऐसे डाटा टाइप को हम प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब ये है कि जो डाटा टाइप जिनकी डेफिनेशन यूज़र डिसाइड करता है कि उसके अंदर किस तरीके का डाटा रहेगा, उसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। तीसरी डाटा टाइप है डिराइव डाटा टाइप। जब प्राइमरी डाटा टाइप को यूज़ करके कोई नई डाटा टाइप बनाई जाती है तो उसे डिराइव डाटा टाइप कहते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप को मोटे तौर पर फिर चार भागों में बांटा जा सकता है, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर एंड वॉइड। ये सभी साइंड और अनसाइंड टाइप के होते हैं, यानी डाटा का साइन प्लस या माइनस होगा या जो साइन है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। जब डाटा साइंड होता है तो डाटा टाइप साइंड कहलाती है और जब साइन यूज़ में नहीं आता है तो उसे हमें अनसाइंड डाटा टाइप कहते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप में हम ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए काम में आता है। फ्लोट डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है, यानी रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम में आता है। और इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर वैल्यूज़ को यानी पूर्णांकों को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। कैरेक्टर डाटा टाइप को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, साइंड कैरेक्टर डाटा टाइप एंड अनसाइंड कैरेक्टर डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप को भी तीन भागों में आगे विभक्त किया जा सकता है, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये तीनों के तीनों ही रियल नंबर को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, बट इनकी मेमोरी कैपेसिटी अलग अलग होती है। लॉन्ग के वेरिएबल की साइज़ कम, डबल की ज़्यादा और लॉन्ग डबल की साइज़ उससे भी ज़्यादा होती है। इंटीजर डाटा टाइप को भी उसकी साइज़ और साइन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है बेसिक इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर एंड अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इनमें किसको कितनी कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसके लिए काम में लेते हैं, और उसके बाद में हम एनुमरेटेड डाटा टाइप और टाइप डेफिनेशन डाटा टाइप का डिस्कशन करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सभी डाटा टाइप्स की रेंज, उनको कितनी बाइट मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो, और फॉर्मेट बताया गया है। रेंज का मतलब है
कि उसमें वैल्यू कितनी बड़ी वैल्यू से लेकर कितनी छोटी वैल्यू तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। और बाइट्स का मतलब ये है कि मेमोरी में उस वेरिएबल को कितनी बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि कंपाइलर जब भी इसको रीड करता है या प्रिंट करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी डाटा टाइप का है। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ में लिया जाता है। जैसे कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी काम में लेते हैं, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी काम में लेते हैं, शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू काम में लिया जाता है, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर के लिए एल यू काम में लिया जाता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ और लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज कैपिटल एल एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ में लिए जाते हैं। अब हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की बात करते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब है जो डाटा टाइप यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है तो उसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। इसमें दो मेन कैटेगरीज हैं, एनुमरेटेड डाटा टाइप और टाइप डेफिनेशन। एनुमरेटेड डाटा टाइप का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। जैसे हमको डेज ऑफ वीक पे एक प्रोग्राम बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से जो वीक डेज के नेम हैं उनको एज अ इनपुट ले, तो इसके लिए हम इसको एनुमरेटेड डाटा टाइप में डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम एनुमरेटेड डाटा टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें हम कीवर्ड एनम यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में हम डेज ऑफ वीक, ये हमने हमारा जो एनम वेरिएबल है उसको नाम दिया है डेज ऑफ वीक, और दोनों ब्रेसेस के बीच में हम कॉमा लगा लगा कर वो एंट्रीज लिखते हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारी एनुमरेटेड डाटा टाइप में हो। ये वैल्यूज़ हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जब एक बार एनुमरेटेड डाटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके बाद में इसका इंस्टेंस बनाया जाता है। सेकंड में आप देख रहे हैं कि हमने एनम डेज ऑफ वीक और उसका एक इंस्टेंट बनाया है डे। डे यानी हमने क्या किया है कि एनुमरेटेड डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हम इसको आगे यूज़ में ले सकते हैं जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे हमने जो वेरिएबल बनाया है डे, उस डे के हम अंदर हमने वेडनेसडे डाल दिया है, डब्ल्यू ई डी डाल दिया है। इस तरीके से एनुमरेटेड डाटा टाइप बनाई जा सकती है। जिस प्रकार की हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से एक अपना यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप एनुमरेटेड डाटा टाइप बना सकते हैं। इस एग्जांपल में हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यानी टाइप डेफ को यूज़ ले रहे हैं। इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि पहले से जो कोई डाटा टाइप अवेलेबल है हम उसको रीनेम कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, पहले टाइप डेफ को यूज़ किया जाता है जो कि एक कीवर्ड है जो टाइप डेफिनेशन के काम आता है। इसके बाद में प्राइमरी डाटा टाइप को लिखा जाता है और उसके बाद में उस डाटा टाइप का हम क्या न्यू नेम देना चाहते हैं उसको लिखा जाता है। इस एग्जाम्पल में जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को काम में लिया है इसलिए हमने टाइप डेफ फ्लोट लिया है और उसको हमने रीनेम किया है नंबर से। अब हम नंबर्स लिखकर कोई भी और वेरिएबल्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने तीन वेरिएबल्स जनरेट किए हैं नंबर्स में, ए बी और रिजल्ट। इनका बेसिक फिनोमेना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाला ही रहेगा, बस हमने इसको डिफाइन करने के लिए नई टाइप डेफिनेशन बना ली है नंबर। आज की क्लास में हमने प्राइमरी डाटा टाइप को समझा, फिर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को समझा और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है डिराइव डाटा टाइप। डिराइव डाटा टाइप ऐसे डाटा टाइप है जिनको प्राइमरी डाटा टाइप को यूज़ करके हम एक नया डाटा टाइप बना लेते हैं, उन्हें हम डिराइव डाटा टाइप कहते हैं। पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। आगे हम क्लास में इन सभी को डिटेल से डिस्कस। उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियो में दिखाया गया कंटेंट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।